नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 5600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में 5609 नए मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 112,359 हो गई है, जिनमें से 45,299 लोग ठीक भी हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,435 हो गया है। वहीं एक्टिव मामले 63,624 हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 39,297 संक्रमण के मामले हो गए हैं, जबकि 1,390 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 10,318 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जहां संक्रमितों की संख्या 13,191 हो गई है, जबकि 87 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा अभी तक 5,882 लोग ठीक भी हो चुके हैं। गुजरात में 12,537 संक्रमण के मामले हो गए हैं, जबकि 749 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 11,088 लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 176 लोगों की जान जा चुकी है। दो दिन पहले रेलवे ने 1 जून से जिन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की थी, उनकी बुकिंग आज से सुबह 10 बजे से शुरू हो रही है। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही IRCTC की वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप पर की जा सकेगी। ट्रेन खुलने से 2 घंटे पहले तक बुकिंग की जा सकती है और ट्रेन खुलने से अधिकतम 30 दिन पहले एडवांस में बुकिंग की जा सकती है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। बुधवार को दुनिया भर में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में एक दिन में 106,662 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें से 2/3 मामले सिर्फ 4 देशों में दर्ज किए गए हैं और ये 4 देश हैं अमेरिका, रूस, ब्राजील और भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को ही यह चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर ये न समझा जाए कि ये समाप्ति की ओर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि हमें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है, हमें चिंता है कि ये महामारी अब निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बढ़ रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 49,96,472 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,28,115 हो गया है। इसके अलावा 20 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,51,853 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 93,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,08,705 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,972 हो गया है। ब्राजील में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,91,579 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 18,859 है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख को छूने वाली है और संक्रमितों की संख्या 2,49,619 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 35,786 है। स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,32,555 है, जबकि मरने वालों की संख्या 27,888 है। इसके अलावा इटली में संक्रमितों की संख्या 2,27,364 है और मरने वालों के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान का देश है, यहां मरने वालों का आंकड़ा 32,330 है। यूनान के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोटाकिस ने घोषणा की है कि 15 जून से यूनान को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बुधवार को टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में उन्होंने कहा, आधिकारिक रूप से 15 जून से देश में पर्यटन का सीजन शुरू होता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण ये प्रभावित हुआ। अब जून 15 के बाद से विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए होटल खोल दिए जाएंगे। साथ ही देश में मौजूदा पर्यटन स्थलों के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी 1 जुलाई से शुरू की जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन चाहता तो संक्रमण रोका जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाने का एक कैंपेन चला रहा है क्योंकि वो जो बाइडेन को जिताना चाहता है, जिससे फिर से वो अमेरिका को लूट सके, जैसा वो मेरे आने से पहले करता रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।